हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा की हिंदी चैप्टर 11, जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत के लेखक हैं बिस्मिल्ला खा। ठीक, तो इस चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में मंगल नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि की संपूरक है। प्रश्न यहाँ दक्षिण भारत की पूछा जा रहा है। ठीक, तो ये है प्रभाती की। सेकेंड क्वेश्चन है, मरते दम तक न सहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किनका है। तो ये कथन बिस्मिल्ला खा की है, क्योंकि बिस्मिल्ला खा जो थे वो काशी से काफ़ी उनका ज़्यादा लगाव हो गया था, और काशी को देवताओं का शहर भी कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है शिक्षा। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो ये विद्या व्यक्ति चित्र है। सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है। सुशीर जितने भी वाद्य जिसे फूंक कर बजाया जाता है उसे सुशीर कहते हैं, सुशीर वाद्य। और इन सभी सुशीर वाद्यों में शाह जैसे शेर को कहा जाता है, शाह की उपाधि प्राप्त है। तो शहनाई को शाह की उपाधि प्राप्त है। बिस्मिल्ला खां का संबंध किससे है। तो बिस्मिल्ला खां शहनाई बजाते थे, इसलिए इनका संबंध शहनाई से है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, तो इनके केंद्र में है बिस्मिल्ला खां। सुशीर वाद्यों में गिना जाता है, तो ये शहनाई के वाद्यों में गिना जाता है। संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा रही है। काशी जो है ये संगीत और प्राचीन की अद्भुत जितने भी परंपरा स्टार्ट होते हैं और वो सभी काशी में मिलता है। ठीक, बिस्मिल्ला खां के पिता का क्या नाम था। उनके पिता का नाम था पैगंबर बख्त खां। बिस्मिल्ला खां के बचपन का नाम क्या था। उनके बचपन का नाम था कमीरुद्दीन। यहाँ पर कमीरुद्दीन है, आधा द फिर पूरा द है। ठीक, कोई लोग ऐसे पढ़ते हैं कमरुद्दीन, ये गलत है, कमरुद्दीन है। बिस्मिल्ला खां के परदादा का नाम क्या था। ठीक, उनके परदादा के नाम उस्ताद सलार हुसैन था। बिस्मिल्ला खां के मामा का नाम क्या था। उनके मामा का नाम था सादिक हुसैन। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्ला खां का जन्म हुआ था। उनका जन्म हुआ था डुमराव बिहार में। अगर पूछे प्रश्न में डुमराव किस राज्य में है, तो बिहार हो जाएगा। रसूलन बाई थी, तो रसूलन बाई एक गायिका थी। अगला प्रश्न है, सुलोचना कौन थी। सुलोचना एक सक्सेसफुल अभिनेत्री थी, जिसे इंग्लिश में हीरोइन बोलते हैं। ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है। ये यतीन्द्र मिश्र की हैं। ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य जो है यतीन्द्र मिश्र के हैं। बिस्मिल्ला खां का निधन कब हुआ। उनका निधन हुआ था 21 अगस्त 2006 में। कुलसुम कौन थी। कुलसुम की बात करें तो वो एक हलवाइन थी। कुलसुम कौन थी, एक हलवाइन। बिस्मिल्ला खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे। तो रियाज के लिए वो बालाजी मंदिर जाते थे, जबकि बिस्मिल्ला खां एक मुस्लिम थे
फिर भी ये बालाजी मंदिर जाते थे। नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? नरकट का प्रयोग एक प्रकार की नरकट जो होता है, एक प्रकार की घास होता है, ठीक, और इसका उपयोग किया जाता है शहनाई में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने बिस्मिल्ला खां को किस सम्मान से अलंकृत किया है? तो भारत रत्न से बिस्मिल्ला खां को सम्मानित किया गया है। यतीन्द्र मिश्र ने किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन किया है? तो ये सहित जो है अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन किए हैं। बिस्मिल्ला खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? बिस्मिल्ला खां के जितने भी खानदान में सदस्य हुए वो मुहर्रम के दिन शहनाई नहीं बजाते थे, और मुहर्रम जो होते हैं मुस्लिम धर्म का एक अच्छा पर्व माना जाता है। बिस्मिल्ला खां को किस चीज़ का बुखार था? तो उनको बुखार था फिल्म देखने का, वो बहुत फिल्म देखते थे। बिस्मिल्ला खां जो थे वो बहुत ज़्यादा फिल्म देखने के शौकीन थे। अरब देश में फूकर बजाए जाने वाली वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी जिसे रीढ़ बोलते हैं, रीढ़ होती है, उसे क्या कहते हैं? तो जितने भी अरब देश में बजाए जाते हैं फूकर उसे नहीं कहते हैं। बिस्मिल्ला खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने का कितनी मेहनताना मिलता था? टोटल 8 आना इनको, जब ये बजाते थे शहनाई तो इनको बालाजी मंदिर में 8 आना मिलता था। यतीन्द्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको सम्मानित किया गया था रज्जा पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से, ऋतुराज सम्मान से। इनमें से सभी जितने भी अवार्ड मिले थे पुरस्कार, ये सभी मिले थे। बिस्मिल्ला खां के पिता कहाँ शहनाई बजाते थे? उनके पिताजी जो थे वो मंदिर में शहनाई बजाते थे। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो वो यार जुलाहे के नाम से किए हैं। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्ला खां के बड़े भाई का नाम क्या था? उनके जो बड़े भाई थे वो शमसुद्दीन थे। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ? उनका जन्म हुआ था 1977 ईस्वी में। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ? तो डुमराव बिहार में उनका जन्म हुआ था। बिस्मिल्ला खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो बिस्मिल्ला खां जो वो शहनाई के साथ साथ उनका मुस्लिम पर्व था मुहर्रम। काशी किसका पाठशाला है? तो ये है संस्कृति की। बिस्मिल्ला खां दशकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं? जो बिस्मिल्ला खां थे वो बहुत दशकों का अर्थ होता है 10 वर्ष, ठीक। बिस्मिल्ला खां दशकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे थे? तो था सच्चे सुर की नेमता। कोई भी एक्टर होते हैं वो चाहते हैं कि उस फील्ड में हम सबसे अच्छा हो, इसीलिए बिस्मिल्ला खां भी ईश्वर से दुआ मांगते थे कि हम इस फील्ड में हमें सुर अच्छा दे, ठीक। कमीरुद्दीन नाम किन का था? कमीरुद्दीन बिस्मिल्ला खां के बचपन का नाम था। काशी में मरण भी माना जाता है, काशी में जब भी मरण होता है तो उसको माना जाता है मंगल। अगर मंगल ऑप्शन में ना रहे तो शुभ होगा, यहाँ पर अशुभ लिखा है लेकिन अशुभ नहीं, शुभ बोल रहे हैं, ठीक। काशी में मरना भी शुभ माना जाता है या मंगल। नौबत खाना का क्या अर्थ है? जो नौबत खाना है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का अर्थ। पक्का महल क्या है?
पक्का महल की बात करें तो पक्का महल होता है काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। जितने भी काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका है उसको पक्का महल कहा जाता था। सहनेक की उपाधि किसे दी गई है? तो सहनेक की बात करें तो ये सहनाई को दिया गया है। यदा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है? तो यदा कदा जो है वो है यतीन्द्र मिश्र की। इस चैप्टर में टोटल 42 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगी बोर्ड एग्जाम के लिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।